सिकरावा गांव के ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन, एक लाइब्रेरी का उद्घाटन, दूसरी लाइब्रेरी की चार दीवारी का भी हुआ उद्घाटन। नूह जिले के सबसे शिक्षित गांव सिकरावा में शनिवार को ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। इस टूर्नामेंट में सिकरावा गांव सहित आसपास के गांव की 8 टीमें अलग अलग आयु वर्ग में भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा एवं पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिचारनिया के प्रयासों से किया गया। खास बात यह रही कि इस टूर्नामेंट का आयोजन करने में पंचायत वाहक के बड़े अधिकारी ऋषि डागी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सिकरावा गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन में नई लाइब्रेरी का उद्घाटन दोनों आला अधिकारियों के द्वारा किया गया। इसके अलावा सिकरावा गांव के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी की चार दीवारी का भी उद्घाटन किया गया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा का कहना है कि इस जिले के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ा जाए, इसको लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत सिकरावा गांव में ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का मौका मिला। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देखिए, हमारी तरफ से यही है कि जिले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेल कूद की ओर बढ़ावा दे जाए, इसी के अंतर्गत SP साहब की तरफ से एक मुहिम चालू की गई है, जिसके अंतर्गत सभी स्कूल के बच्चे, गांव के बच्चे, ये फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब जो खेलों हैं, इसका एक प्रतियोगिता पूरे साल के लिए ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। इसकी शुरुआत हमने सिकरावा से की है, आने वाले समय में और भी गांवों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये एक चीज था। दूसरा, हमने लाइब्रेरी यहाँ पर सिकरावा स्कूल के अंदर पंचायत फंड से हमारे सरपंच साहब ने बनवाई है, तो बहुत अच्छी बात है। और आने वाले सभी स्कूलों में इस टाइप की लाइब्रेरियाँ हों, सरकार की तरफ से ऑलरेडी गाँव के अंदर लाइब्रेरी, जिम वगैरह, इन सब का लिए आयोजन के लिए पैसा फंड दिया है। मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी इसके अंदर। सर, बिजली और पानी से संबंधित शिकायतें सरपंच ने आपके सम्मुख रखी, एक सप्ताह में आपने अल्टीमेटम दिया, क्या जी? हमने, हमारे पास शिकायतें आई हैं, SP हमारे सरपंच साहब ने बताई कि यहाँ पर पानी बिजली की कुछ दिक्कतें हैं। संबंधित अधिकारियों को कहा गया कि इसको जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कराएं और मुझे रिपोर्ट भी करेंगे। बहुत अच्छी पहल है पंचायत की, क्योंकि गाँव का जो भविष्य है स्कूल से निकलता है, और स्कूल में लाइब्रेरी होना एक बहुत सौभाग्य की बात है। और SP साहब ने आश्वासन दिया कि एक वो यहाँ कोई एक होमगार्ड का वो रखेंगे जो लाइब्रेरी की देखभाल भी करेगा और सुरक्षा भी करेगा। और एक मुहिम और चलाई है प्रशासन ने कि मेवात के जो गरीब बच्चे हैं 10वीं क्लास के, जिनके माँ बाप उनकी पढ़ाई खर्चा वह नहीं कर सकते, उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके माध्यम से लगभग 100-125 के बीच में जो बच्चे नहीं हैं उनको सीकर्म कोचिंग दी जाएगी जो फ्री होगी। सिर्फ उन बच्चों का आने जाने का खर्चा तो होगा, लेकिन रहने का और पढ़ने का कोई खर्चा नहीं होगा। तो ये प्रशासन ने विशेष अपने व्यक्तिगत प्रयास से जो है ना, ये उनसे बात की, उन्होंने यस किया है। हम मार्च तक जो उन बच्चों को सर्च कर लेंगे।